Hey, what's up guys? Asif here, once again, welcome back to our channel. आज की वीडियो में काफी कमाल का एक एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। आप घर बैठे बैठे खुद का बिजनेस खोल सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट्स है तो उसको आप ऑनलाइन में एक एप्लीकेशन के थ्रू कैसे बेच सकते हैं, चाहे वो शर्ट्स हो, शूज हो, कोई भी प्रोडक्ट्स हो, आप ऑनलाइन में बेच सकते हैं। तो जानते हैं कैसे एप्लीकेशन यूज किया जाता है। तो वीडियो ऑन तक देखते रहिए, लाइक करना, सभी दोस्तों को शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एप्लीकेशन का नाम है दुकान। आपका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले क्रिएट माई स्टोर ऑप्शन में क्लिक करना है एप्लीकेशन ओपन करने के बाद, और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर देके यहाँ पे साइन अप करना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर दे दिया, उसके बाद उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, तो ओटीपी यहाँ पे डाल के वेरीफाई करना है। उसके बाद यहाँ पे बिजनेस नेम डालना है, कुछ भी नाम डाल सकते हैं जो आपके मन में आया। मैं यहाँ पे शैडो डाल देता हूँ। उसके बाद कंट्री सेलेक्ट किया हुआ है और नीचे एड्रेस ऑप्शन में क्लिक करना है, यहाँ पे परमिशन अलाउ कर देना है और यहाँ पे मैप में से आपका जो लोकेशन है यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे एड्रेस डाल के लोकेशन ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे सेव बटन में क्लिक करके सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे बिजनेस डिटेल वगैरह लिखने के बाद फिनिश बटन में क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जो स्टोर है रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे कंटिन्यू ऑप्शन में क्लिक करना है, परमिशन अलाउ करना है और उसके बाद यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट जो आपके पास प्रोडक्ट है वो यहाँ पे इस एप्लीकेशन के अंदर डालना है बेचने के लिए। तो सबसे पहले फ़ोटो ऐड कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट का कितना भी फ़ोटो ऐड करना है कर सकते हैं और यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं कुछ भी कैटेगरी जो है आपके पास प्रोडक्ट है उसका कैटेगरी डालना है। मैं यहाँ पे बैग्स लिख देता हूँ ऐसे आपको समझाने के लिए, और उसके बाद क्रिएट बटन में क्लिक करके क्रिएट कर दिया। और उसके बाद बैग में से आपको कौन सा आइटम आपके पास है यहाँ पे लिखना है। मैं यहाँ पे हैंड बैग लिख देता हूँ। आपके पास जो प्रोडक्ट है उसका नाम डालना है और उसके बाद नीचे आपको प्राइस डालना है, प्रोडक्ट का प्राइस कितना है। मैं यहाँ पे 300 डाल दिया और यहाँ पे सेलिंग प्राइस का ऑप्शन भी है। अगर 300 वाला चीज़ आप 280 250 में बेचना चाहते हैं तो वो रेट भी डाल सकते हैं, या फिर 300 भी डाल सकते हैं सेम प्राइस। यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे 250 डालता है तो ये नीचे आपको ऑप्शन आएगा कि 300 वाला चीज़ 250 में आ रहा है, जैसे कि लकीर दिखेगा वैसे आपको जिस जो भी बंदा कस्टमर परचेस करेगा उसको यहाँ पे ऐसा दिखेगा। और यहाँ पे नीचे ऑप्शन है पर पीस वाला ऑप्शन भी है, यहाँ पे पर पीस या फिर किलो वाला आइटम है, जो भी ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पीस सेलेक्ट कर देता हूँ, पर पीस का कितना पैसा है यहाँ पर ऊपर डाल दिया और नीचे डिस्क्रिप्शन जो भी डिटेल डालना है डाल सकते हैं। और यहाँ पे ऐड साइज़ कलर वाला ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है साइज़ और कलर का। यहाँ पे ऐड साइज़ वाला ऑप्शन में क्लिक करके साइज़ ऐड कर सकते हैं। बैग से तो 15-16 जितना साइज़ है डाल सकते हैं, शर्ट्स पैंट से तो यहाँ पे लार्ज स्मॉल इस तरह लिख के आप ऐड साइज़ में क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे 3-4 आइटम में डाल दिया, मीडियम डाल दिया, लार्ज डाल दिया, इस तरह डाल सकते हैं। ओके, इसी तरह कलर भी ऐड कर सकते हैं। नीचे कलर का ऑप्शन है, ऐड कलर ऑप्शन में क्लिक करना है और यहाँ से रेड कलर, ब्लू कलर, जो भी कलर उस प्रोडक्ट में अवेलेबल है वो यहाँ पे डाल देना है और सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन में क्लिक करना है। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन ऑप्शन है, अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं। और यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट वाला ऑप्शन में क्लिक करके उस प्रोडक्ट को आप इस ऐप के अंदर लिस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे डायरेक्ट शेयर वाला ऑप्शन में क्लिक करके व्हाट्सएप में उस प्रोडक्ट का लिंक भेज सकते हैं, कस्टमर को आप पकड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं व्हाट्सएप में भेज दिया, भेज व्हाट्सएप में सेंड करने के बाद आपका मोबाइल नंबर और उस वेबसाइट का लिंक भी चले जाएगा। कुछ कॉन्टैक्ट करना है तो आपका मोबाइल नंबर में कॉन्टैक्ट करेगा। आप इस तरह ऑनलाइन में बिजनेस कर सकते हैं। अब मैं आपको उस वेबसाइट ओपन करने के बाद कैसे दिखेगा, कैसे लोग परचेस करेगा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे वेबसाइट ओपन कर दिया, अब तो मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट ऐड किया था, तो यहाँ पे कस्टमर ओपन करने के बाद उस वेबसाइट को होम स्क्रीन में भी ऐड कर सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट ऐड करेगा यहाँ पे दिखेगा
और कैटेगरी वाला ऑप्शन भी है यहाँ पे, कैटेगरी भी दिखेगा जो भी प्रोडक्ट बैग में डालेगा यहाँ, यानी कि कार्ट में डालेगा वो यहाँ पे दिखेगा। तरह बहुत सारा ऑप्शन है वेबसाइट के अंदर, ऐप के अंदर भी, यहाँ पे होम पेज में आपको पूरा डिटेल दिखेगा। और यहाँ पे जितना भी प्रोडक्ट यहाँ पे डालेगा, तो कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल है या फिर आउट ऑफ स्टॉक है यहाँ पे ऑफ कर सकते हैं। अगर आउट ऑफ स्टॉक है तो यहाँ पे ऑफ करके रख देना है। अब ऑन है, यहाँ पे ऑफ करके रख देना है। जब भी अवेलेबल रहेगा आइटम तो यहाँ पे ऑन कर देना है। जितना भी प्रोडक्ट यहाँ आप डालेगा यहाँ पे आ जाएगा। कैटेगरी के अंदर एक एक कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब तो एक ही कैटेगरी में यहाँ पे बनाया हुआ है, आप सारा कैटेगरी यहाँ से बना सकते हैं जो भी प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है। और यहाँ पे डिलीवरी चार्जेस भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आपको कितना पैसे का ऑर्डर के ऊपर डिलीवरी चार्जेस लेना है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और कितना डिलीवरी चार्जेस लेना है वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। 20 लेना है, 30 लेना है, वो भी ऐड कर सकते हैं। और नीचे 300 के ऊपर कोई भी बंदा ऑर्डर करेगा तो उसको फ्री डिलीवरी चले जाएगा, वैसे भी सेट कर सकते हैं। और सेव चेंजेस वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। उसके अलावा स्टोर व्यूज़, प्रोडक्ट व्यूज़ सब होम पेज में दिखेगा, और ऑर्डर डिटेल्स भी यहाँ पे दिखेगा। और यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन, ऑर्डर वाला ऑप्शन में जाके आप ऑर्डर डिटेल पूरा ले सकते हैं और उनका एड्रेस में डिलीवर भी कर सकते हैं, और कैश ऑन डिलीवरी और UPI ऑन डिलीवरी भी पेमेंट ले सकते हैं। सभी प्रोडक्ट का जितना भी फोटोज़ है, अच्छा अच्छा फोटोज सब डाल देना है, तो आप बढ़िया बिजनेस ऑनलाइन में कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो दबा के शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू।